सोमवार को प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट के विरोध में प्रदेश भर के सेवारत चिकित्सक, रेजिडेंट डॉक्टर्स और निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी ने प्रेस वार्ता कर हड़ताल का आह्वान किया। चौधरी ने कहा कि लगातार देश प्रदेश में डॉक्टरों के साथ मारपीट की वारदातें बढ़ती जा रही है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की गई, चिकित्सक संघ इस हिंसा की घोर निंदा करता है और चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान करने और सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करता है। वहीं रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय चौधरी ने कहा कि अस्पतालों में हो रही हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय कानून को तत्काल लाया जाए और कहा कि सोमवार को प्रदेश के सभी चिकित्सालय में आपातकालीन सेवाओं, एमएलसी और पोस्टमार्टम को छोड़कर सभी गैर आपातकालीन सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा। इस तरीके से बंगाल में जानलेवा हमला एक इंटर्न चिकित्सक पर किया गया है और आज वो अपनी जान से लड़ाई लड़ रहा है आईसीयू में। उसकी फ्रंटल बोन फ्रैक्चर हो गई है और मैं आज ही खबर मिली कि एक दूसरे चिकित्सक का मेमोरी लॉस हो चुका है और बार बार उसको कन्वल्जन या मिर्गी के दौरे स्टार्ट हो गए हैं। तो हम इस तरह के जो उन पर जानलेवा हमला हुआ है, राजस्थान के समस्त रेजिडेंट चिकित्सक इसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और गैर जमानती अधिनियम ऐसे बनाए जाएं, कानून बनाए जाएं जिनके तहत ऐसे गुंडे और असामाजिक तत्वों को बुक किया जाए और इनके हौसले बुलंद नहीं हो। जिस प्रकार की उसके बाद में घटना घटित होने के बाद में बंगाल की मुख्यमंत्री ने जिस भांति एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है उसकी भी हम निंदा करते हैं और राज्य के बंगाल राज्य के संवैधानिक पद पे रहते हुए जो व्यक्ति की पूरे राज्य का एक अभिभावक होता है उसके द्वारा चिकित्सकों के साथ में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना और उनके पास में उनके मानवीय संवेदनाओं का एक बुरा बर्ताव करना और मानवीय संवेदनाओं का एक विभत्स रूप दिखना उनके शब्दों के साथ में, वो घोर निंदनीय है और राजस्थान का चिकित्सक जो है उसकी निंदा करता है।